शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजना, देखो ना, आज खुशियों भरा त्योहार का दिन है और मेरी 40 दिनों की बहू का आधा वक्त तो कट चुका है और अब ये मुझसे 40 दिनों की पूरी कहानी जानना चाहती है। क्या करूं? सोचती हूँ आज इसे ये कहानी सुना ही दूं। मुझसे बेचारी की ये हालत देखी नहीं जाती। आज इसे दिवाली का तोहफा दे ही देती। तो तुम मेरे और मेरे प्यार की दास्तां सुनना चाहती हो? सुन सकोगी? तो सुनो, मैं और सौम्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरे की जान है। जब से एक दूसरे को मिले हैं, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी। मेरे बेटे को सच्चा प्यार मिल गया है, ये जानकर बहुत खुशी हुई हमें। संजना मेरे सौम्य की जिंदगी में एक नई किस्मत बनकर आई। हमारे घर में खुशियों की बहार आ गई। लेकिन खुशियाँ अपने साथ साथ एक अड़चन भी ले आई। ये शादी नहीं हो सकती। गुरुजी क्यों नहीं हो सकती? कोई मुश्किल या फिर कोई बाधा? क्या बात है गुरुजी? कोई साधारण बाधा होती है तो मैं भी इतना चिंतित ना होता। उसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई समाधान निकाल लेता। परंतु परंतु क्या गुरुजी? गुरुजी आपका ये परंतु हमें बहुत परेशान कर रहा है, बताइए ना। गुरुजी, आपकी परेशानी की सच्चाई हमें प्लीज बताइए। आप तो जानते हैं कि मैं आपकी हर बात मानता हूं। आपकी हर बात मेरे पत्थर की लकीर है गुरुजी। प्लीज बताइए क्या बात है। सौम्य बेटा की कुंडली के मुताबिक इसके ग्रह दशा बहुत नीच दिशा से गुजर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है गुरुजी? गुरुजी बताइए ना, बहुत चिंता हो रही है हमें, प्लीज बताइए। सच्चाई ये है कि इस कुंडली के ग्रहों की गणना के अनुसार शादी के 40 दिन के भीतर इसकी पत्नी की मृत्यु निश्चित है। पूरा सच जानने के बाद तुम समझ गई होगी कि सौम्य का और तुम्हारा जिंदगी भर का साथ नहीं है। परी, मैं सवालों से घिरी रात रात तक सो नहीं पाती थी। सौम्य का साथ मिलेगा ना? इस सवाल ने तो मेरा चैन ही चुरा लिया। लेकिन किसी ने ठीक कहा है, हर मुश्किल का हल तो होता ही है। हर ताले की चाबी होती है। और मेरी परेशानी के ताले की चाबी मुझे उस दिन मिली जिस दिन अचानक मैं तुमसे टकराई। सारे सवालों के जवाब
एकदम से सामने आ गई। मन में हजार सवाल उठे, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन जब पता लगाया तब समझ आया कि तुम तो रानी की बेटी हो। सारी मुश्किल, सारी उलझन सुलझ गई। और मुझे संजना का सुझाव बहुत अच्छा लगा, मैं छट से मान गई। लेकिन सौम्य को समझाना मुश्किल था, पर क्या करें, मेरा बेटा संजना के लिए कुछ भी कर सकता था। उसके प्यार के लिए, उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो भी मान गया। और उसके बाद की कहानी का हिस्सा तो तुम भी हो परी। बेचारगी का नकाब ओढ़े मैं तुम्हारी दानी माँ के सामने माफी मांगने पहुंच गई। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मन से अपनी पत्नी स्वीकार करते हुए जीवन भर साथ निभाऊंगा। बस 40 दिन। मैंने आपसे पहले कह दिया कि मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। 40 दिन के बाद मैं अपने और परी के रिश्ते का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। कैसा लगा 40 दिनों का राज? 40 दिनों के बाद तुम मेरे बेटे की जिंदगी से, इस दुनिया से चली जाओगी। सिर्फ 40 दिन पर। संजना मेरी बेटी की जिंदगी को रोशन करने, उसकी दुल्हन बनकर मेरे बेटे की जिंदगी में आ जाएगी। तुम्हारी जान का सदका संजना को नई जिंदगी देगा। मेरे बेटे और बहू की जिंदगी से सारी बुरी नजर, सारी बुरी भला चल जाएगी। मुझे सिर्फ उस पल का इंतजार है परी, जब मेरे घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी। और संजना की डोली आएगी। तो ये है मेरी दास्तां, ये है मेरी प्रेम कहानी। तुम्हारी आरती उठेगी।
रंग बदला, सब कुछ हुआ धुंधला, सूरज ने क्यों उपवन जला दिया। सहमी हुई धड़कन, सांसों में है कंपन, वीणा को किसने जन जना दिया। मौत आई है चुपके से, लेके जाएगी झटके से, पल भर में जीवन छिन गया। हाँ जी कपूर साहब, हाँ जी पैसे मिल गए। इतने दिए जलाओ कि इस घर का कोना कोना रोशन हो जाए। घर तो रोशन होगा ही ना। अच्छा सुना आपने, आपकी बहू कितनी प्यारी बातें करती है। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ये 40 दिन पूरे हो जाए और संजना हमारी बहू बनकर इस घर में आ जाए। बिल्कुल सही कहा। अरे सौम्या, हम वहां तो दिए जलाना भूल ही गए। चलो की तस्वीर गिर गई थी। आर्यन, पता नहीं क्यों बेटा, लेकिन शाम से मेरा मन बहुत घबरा रहा है। रह रहकर मुझे परी बहुत याद आ रही है। आज मेरी बच्ची सचमुच बहुत याद आ रही है मुझे। माँ अपने बच्चों के बारे में सोचना कभी छोड़ सकती है भला? मुझे तो नहीं लगता।
मुझे ये लगता है कि हमेशा हमेशा उसका दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। क्या हुआ दानी माँ, आप इतनी परेशान क्यों है? दानी माँ, अगर आपका आशीर्वाद परी के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं हो सकता, सच्ची में। दानी माँ, अगर दिल को तसल्ली देनी है कि परी ठीक है कि नहीं, तो आप मेरे मोबाइल से फोन कर लीजिए, लगा दूं मैं आपके लिए फोन। हेलो। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? दिवाली मुबारक हो मम्मी जी। दिवाली तुम्हें भी मुबारक हो आदित्य। ईशाना कैसी है? मम्मी जी, ईशाना बिल्कुल ठीक है, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। वो मम्मी जी, दानी माँ को परी के साथ बात करनी थी, एक सेकेंड ना। हेलो काम्या, आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी सुरेखा जी। दरअसल बात यह है काम्या के मुझे पता नहीं क्यों परी की आज बहुत याद आ रही है, तो मैंने आर्यन से कहा कि आप लोगों को फोन लगाते, जरा प्लीज परी से बात करवा देंगे। सुरेखा जी, मैं आपकी परी से बात तो करवा देती, लेकिन सौम्य और बहू लक्ष्मी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। अगर आपका बात करने का इतना मन कर रहा है तो आप कहे तो मैं पूजा के बीच फोन दे दूं परी। नहीं नहीं, नहीं। पूजा के बीच से मत उठाइए उसे, करने दीजिए पूजा, मैं दोबारा फोन कर लूंगी। सच कहूँ तो ऐसा करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था जी। क्या बात है सुरेखा जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिंता मत कीजिए, मैं अपनी बहू का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख रही हूँ। और हाँ, पार्टी में वक्त से आ जाइएगा। मैंने ज़्यादा लोगों को तो बुलाया नहीं है, अगर अपने ही लोग देर से आएंगे तो पार्टी की रौनक कैसे लगेगी? नहीं नहीं काम्या, तुम चिंता मत करो, हम सब वक्त पर पहुँचेंगे। सबको मेरा प्यार कहिए, नमस्ते कहिए, परी को भी प्यार बोलिएगा मेरा। जी जरूर, नमस्ते। हो गई तसल्ली, ठीक है वो। अच्छा दादू लक्ष्मी पूजन के लिए बुला रहे, चलो चलो। सौम्या, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैंने और मामा ने परी के सामने वो 40 दिन का राज खोल दिया। क्या? हाँ सर, वो शायद हमारा पीछा करते करते गुरुजी के आश्रम पहुंच गई थी। संजना, सौम्य, चलो बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं, आज लक्ष्मी पूजा में तुम दोनों को ही बैठना है। मामा, परी को सब बताने की क्या जरूरत थी? सिर्फ 40 दिन की बात थी बस, और 40 दिन बीतने में कितने दिन बचे थे? सौम्या, वो खुद ही सबको जाने के लिए बेचैन थी। मैंने कहा ना, वो हमारा पीछा करते करते आश्रम तक पहुंच गई थी, और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे तो लगता है कि अच्छा हुआ उसे सब कुछ पता चल गया, अब ना कोई सवाल होंगे और ना हमें कोई जवाब देने पड़ेंगे। हाँ बेटा, संजना बिल्कुल ठीक कह रही है। अब चलो, पूजा के लिए देर हो रही है, चलो चलो।
अच्छा जी, ओके। अरे ज्ञान प्रकाश जी, दिवाली मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इसकी क्या जरूरत है? सुलक्षणा जी के पापा की तबीयत कैसी है? उनका फोन आया था, कहती थी कि हालत पहले से बेहतर है। अच्छी बात है, आइए ना। जी नहीं, मैं चलूंगा। मैं तो दरअसल संजना को लेने आया था। संजना को? क्यों? देखिए संजना अभी नहीं आएगी, अभी कुछ ही देर में पार्टी के लिए लोग आने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए तो, कुछ समय में सौम्य बेटे के ससुराल वाले भी यहाँ आएंगे। उन लोगों की हाजिरी में संजना का यह रहना ठीक नहीं है। क्यों? संजना का यहाँ होना ठीक क्यों नहीं लगेगा? हाँ पापा, आप खामखा इतनी छोटी सी बात का इश्यू बना रहे हैं। नहीं, देखिए संजना कहीं नहीं जाएगी। घर की पार्टी में अगर घर की बहू नहीं रही तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज लक्ष्मी पूजन है और संजना को हम हमारे घर की लक्ष्मी मान चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि सौम्य और संजना का क्या रिश्ता है। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि ज्ञान प्रकाश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हम चाहते हैं कि सिर्फ संजना ही नहीं बल्कि आप भी इस पार्टी में शरीक हो। सर इतना हक तो हमारा बनता ही आपका। चलिए मान जाइए। चाहती थी ना, बहुत शौक था तुम्हें सच जानने का, तो अब जानकर बिजली क्यों गिर गई? हाँ मैं समझ सकती हूँ। क्या है ना परी, जिंदगी के कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि उनका गले से उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर छोड़ो ये सब, पार्टी का वक्त हो रहा है। तुम्हारी दानी माँ और दादू किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। फोन आया था उनका, तुमसे बात करना चाहती थी। मैंने कह दिया लक्ष्मी पूजा में बैठी है, उनके सामने अपना ये टुकड़ा ना रो तो अच्छा होगा। उन्हें तुम यही समझने दो कि तुम अपने ससुराल में बहुत खुश हो, सुखी हो। नहीं तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या होगा। तुम्हारे मरने से पहले बेचारी तुम्हारी दानी माँ दुख के मारे मर जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए समझा रही हूँ मैं तुम्हें, खुश रहो, चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। वो क्या है ना, जिंदगी के बहुत कम दिन बचे हैं परी, इसलिए दिल पे पत्थर रखकर मुस्कुराकर जी लो। चाहे झूठी ही सही लेकिन मुस्कुराहट तो होनी चाहिए ना, कुछ और तो तुम कर भी नहीं सकती ना। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है तुम्हारे जाने का दिन भी नजदीक आता जा रहा है, बहुत नजदीक। तब तक अपना ध्यान रखना, तैयार हो जाओ।